हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स में। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप सभी को आज पावर ट्रांसमिशन के एक एलिमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो पावर ट्रांसमिशन करने के लिए एक जो एलिमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं पुली। तो पुली के बारे में मैं एवरीथिंग डिस्कस करूँगा कि जो भी सब कुछ पुली के बारे में होता है, क्या होता है, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं पुली के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो पुली है वो क्या। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये देखेंगे ये है एक पुली। दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा आपको जो पुली है वो क्या है। पुली जो पावर ट्रांसमिशन, जैसे कि हमें किसी मोटर से, हमें मोटर से पावर जनरेट की है, उस पावर को हमें अपनी मशीन पर लेके जाना है तो पावर ट्रांसमिशन करना होगा। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए। तो उसी में हमारा एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पुली। तो हम क्या करते हैं, मोटर्स और शाफ्ट में इस तरह की पुलीस को फिट करके और बेल्ट के ज़रिए पावर को ट्रांसमिट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। स्पीड्स को कम करते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इस सब करने के लिए हमें इस तरह की पुलीस की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों बताऊँ तो पुलीस, जैसे कि आप गाँवों में भी जो है, वहाँ पर भी पहले ये पुलीस वगैरह यूज होती थी कुएं से पानी निकालने के लिए। देखा हो तो भी जल्दी से हम इजली पानी नीचे कुएं से ऊपर निकालने के लिए जो एलिमेंट यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह का पुली ही होती थी हमारी। तो सबसे पहले बात करते हैं पुली में। देखिए आप यहाँ पर, ये हमारे वी ग्रुप्स बने हैं, इसमें वी बेल्ट लगती है, इसमें इसके ऊपर का पोर्शन जो होता है उसको रिम बोला जाता है, और ये हमारे इसमें वी ग्रुप कटे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका ये हब है, हब के साथ यहाँ पर देखिए इसमें कीवे स्लॉट लगा, एक स्लॉट कटा हुआ है जिसको की स्लॉट बोलते हैं। ये हमारा शाफ्ट और इस पुली में, दोनों में यहाँ पर हम की लगा के इसको फिट करते हैं। ये की हो गया, की के साथ यहाँ पर देखिए एक स्क्रू लगाया हुआ हमें यहाँ पर, देखिए स्क्रू, स्क्रू के जरिए हम इसको फिर टाइट कर सकते हैं। तो ये सभी इसके पार्ट्स के नाम है। तो सर सबसे पहले बताऊँ आपको जो ये हमारा इसका मटेरियल है, ज़्यादातर जो हमारी पुलिस वगैरह होती हैं वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन और डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के अलग अलग, एलमुनियम या और दूसरे मेटल्स भी हैं उनकी भी ये बनाई जाती है। तो मेटल्स के अकॉर्डिंग बताएं तो कई अलग अलग मेटल्स में हमें जिस टाइप का वर्क है, जहाँ पर हमें जिस टाइप की स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम मेटल का चूज करते हैं पुली को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स की बात अगर हम बताएं तो टाइप्स में क्या होता है, ये अलग अलग कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पुलीस आती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, अपनी मशीनों पर सभी में। तो सबसे पहली जो पुली होती है, आप इस इमेज में ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, तो सबसे पहली जो पुली है वो है फास्ट एंड लूज़ पुली। तो फास्ट एंड लूज़ पुली जो होती है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे उसमें फास्ट एंड लूज़ पुली में दो पुली लगी होती है, एक फास्ट पुली एक लूज़ पुली। जब हमें मशीन को ऑपरेट नहीं करना होता तो हम उसको लूज़ पुली पर घुमाते हैं, जब चलाना होता है तो फास्ट पुली पर कर देते हैं। तो इस तरह से दो पुलीस लगी जाती है। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कि जो इंजन होता था उसमें नीचे पंखे पे दो पुली लगी होती थी, एक फ्री चलती थी और एक अच्छे से एक उसके साथ मूव कराती थी। तो हमें जब फ्री चलाना होता तो हम साइड वाली पुली पर कर देते, तो वो होता है लूज पुली, फास्ट एंड लूज पुली। उसके बाद जो हमारी दूसरी पुली है वो है स्टेप पुली और कोन पुली। दूसरी जो पुली होती है वो, दूसरा जो पुली का टाइप है वो है स्टेप पुली और कोन पुली। स्टेप पुली और कोन पुली में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह के डायमीटर्स होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देखेंगे अलग अलग डायमीटर्स होते हैं, और अलग अलग डायमीटर्स के होने के कारण हम क्या करते हैं, जब हमें मशीन पर स्पीड को कम और ज़्यादा करना होगा तो वहाँ पर हम इस तरह की स्टेप पुली या कोन पुली का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर है, जैसा कि आपने ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, वी ग्रुप पुली। जैसे कि ये देख रहे हैं ये वी ग्रुप पुली है, और इसमें जो ये तो 40 डिग्री एंगल पे यहाँ पर वी, ये जो ग्रुप बना हुआ है 40 डिग्री के एंगल पे बना हुआ होता है, और इसमें ये देखिए सेम डायमीटर्स के दो बने हुए हैं, जिससे क्या करते हैं हम ज़्यादा पावर, ज़्यादा शक्ति करनी है तो हमें दो बेल्ट यहाँ लगा सकते हैं, तीन भी होती हैं यहाँ पर, तीन तरह की भी होती हैं। तो ये इस तरह की बेल्ट्स लगा के हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये होती है वी ग्रुप, हमारी वी ग्रुप पुली। इसके बाद बात करते हैं जॉकी पुली या फिर आइडल पुली हम बोलते हैं। जॉकी पुली और आइडल जो पुली होती है उसका काम क्या होता है, जब कई बार क्या होता है कि हमारी जो बेल्ट है वो स्लिप करने लगती है, फिसलने लगती है, जैसे कि आप इमेज में देखेंगे फिसलने लगती है, स्लिप करती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम एक जॉकी पुली या आइडियल पुली वहाँ पर लगाते हैं, जिससे कि वो जो हमारा वो जो
पट्टा जो लूज है, जो स्लिप कर रहा है, वो स्लिप ना करे इसके लिए। अगला है हमारा, अगली बात करते हैं, जो अगली पुली आप देखेंगे स्प्लिट पुली। स्प्लिट पुली क्या होता है, ये जो हब के दो पीसीस से मिलकर बनी होती है, और इसमें जो पीस देखेंगे आप, इसमें दो इसको नट और बोल्ट से कसा हुआ होता है। डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स की जो शाफ्ट होती हैं, उसमें हम बुश लगाकर इस तरह की पुलीस को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बड़े साइज़ की पुलीस होती हैं ये। तो नेक्स्ट पुली जो है हमारी, वो है ड्रम पुली। ड्रम पुली जो होती है, ड्रम पुली जो है ये काफ़ी साइज चौड़ा होता है, एक चौड़ी सतह होती है, काफ़ी चौड़ी होती है, और ये इसमें जो हम पट्टा लगाते हैं वो भी हमारा जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। इसका पट्टा जो हम पट्टा बेल्ट जैसे यूज करते हैं, इसमें पट्टे का यूज़ किया जाता है, काफ़ी चौड़ा पट्टा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये जो है इसकी सतह होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। और ज़्यादातर हम इसका यूज़ जो करते हैं वो काउंटर शाफ्ट वगैरह पे हम इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ड्रम पुली का। अगली नेक्स्ट पुली जो है आप देख सकते हैं, हमारी राउंड पुली है। राउंड पुली क्या होती है, राउंड पुली में क्या है, जो ये जो ग्रुप बना हुआ होता है वो रेडियस में बना हुआ होता है, वो रेडियस में बना हुआ होता है। जो हमारा राउंड पुली है उसका ग्रुप जो होगा वो यहाँ से देखेंगे तो ये रेडियस में बना हुआ होता है, आप देख सकते हैं इस इमेज में। और यहाँ पर जो हम बेल्ट यूज़ करते हैं, वो जो बेल्ट यूज़ करते हैं वो बेल्ट होती है गोल बेल्ट का, यानी राउंड बेल्ट का यूज़ करते हैं। हाफ राउंड ग्रुप बना हुआ होता है यहाँ पे, और उसमें हम जो बेल्ट यूज़ करते हैं वो राउंड बेल्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पुली है हमारी, वो है टेपर कोन पुली। टेपर कोन पुली क्या होती है, ये जो पुली है ये भी काफ़ी बड़े साइज़ की होती हैं, दो सेट्स हाफ हाफ में होती हैं, अलग अलग दो पुलियों से मिलकर एक पुली बनाई जाती है। दोनों ही काफ़ी, जो इसकी पुली होती है उसकी लंबाई जो होती है बताऊँ आपको, तो काफ़ी लंबाई होती है, जो इसकी यहाँ से देखेंगे तो ये काफ़ी लंबी होती है, और एक सेम टेपर पर होती है, जिसके कारण टेपर पर होने के कारण हम इसमें यूज़ क्या होता है इसका, जैसे कि हम बेल्ट लगा के अलग अलग हमें ग्रुप्स में चेंज करना हो, लेकिन इसमें क्या होता है, हम जो पट्टा है उसको लेफ्ट और राइट में स्लाइड करके भी स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं टेपर कोन पुली की हेल्प से। तो इस तरह से ये हमारी हो गई, लगभग कुछ 8 तरह की पुलीस का हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग तरह की पुलीस का यूज़ करते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये पुलीस के बारे में बताया, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और पुलिस से रिलेटेड आपको कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।